पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टुडे, मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, और यही वजह है कि किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। आज भी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुबह ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक टीकरी बॉर्डर, झरोदा बॉर्डर और झटिकरा बॉर्डर बंद है। सिर्फ दो पहिया वाहनों के लिए बाड़सराय बॉर्डर ट्रैफिक के लिए खोला गया है, और किसानों के प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा लिंक रोड को बंद कर दिया गया है। ऐसे में नोएडा से दिल्ली आने वाले के लिए नेशनल हाईवे 24 और DND का इस्तेमाल करें। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने आज सुबह बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। वहीं इस दौरान यूपी के साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मंगलवार रात को उत्तर प्रदेश के किसानों का जत्था पहुंच गया। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में यहां किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बॉर्डर के रास्ते को बंद किया। आवागमन बाधित होते देखकर दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे और हालात पर काबू पाया, और इस बीच बॉर्डर सील किए जाने से दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर भीषण जाम लग गया। वहीं आज सुबह दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, वाहन चालक दिल्ली नोएडा लिंक रोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे।